सर स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी का, जो PT 365 विजन का आता है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यदि किसी ने पूरे साल का करंट अफेयर फॉलो किया है तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, पर यदि किसी ने इसका जो विजन का मंथली जो आता है यदि उसको फॉलो नहीं किया तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जिसने द हिंदू भी फॉलो किया है उसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक्चुअली बहुत लोग वेट करते हैं कि हाँ एट द एंड लास्ट ईयर में, लास्ट में जब आएगा तो हम पूरा पढ़ लेंगे, पर वो बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। तो उसी कन्फ्यूजन को हम ख़त्म करने के लिए थोड़ी मेरी अंडरस्टैंडिंग और आपकी सोच समझ के हिसाब से हम इस लेक्चर को कवर करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉलिटी से रिलेटेड आने वाले हैं, इसलिए अपने दिमाग को खोल करके एट द एंड बैठिएगा, आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले। बहुत से स्पेशल फैक्ट भी हम लोग यहाँ पर डालेंगे और क्या क्या पढ़ना है। एक्चुअली देखिए, मेंस की तैयारी अलग होती है, प्री की तैयारी अलग होती है। हम लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि प्री में हमें क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है। सारा डाटा हमें एनालाइज नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही वहाँ पे कवर करनी, बस वही वही देखेंगे। जैसे आर्टिकल्स हो गए, कोई कमेटी है तो वो देख लेंगे, कोई अधिनियम है तो वो देख लेंगे, और कोई एक्ट है तो वो देख लेंगे। इतनी चीज़ें हम लोग देखेंगे, और ज़्यादा हम चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो है, बहुत सारे टॉपिक दिए, पहले तो हो गया आरक्षण, अधिकार, राष्ट्रपति, विधायिका, केंद्र संबंध और न्यायपालिका, निर्वाचन, महात्मा। ये सारे वो टॉपिक है जो अभी रिसेंटली या फिर पिछले 4-5 महीने से टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक रहे हैं पॉलिटी के लिए। ठीक है, सुर्खी में रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है और शासन के महत्वपूर्ण। ये जो मतलब पॉलिटी वीडियो होगा ये कई पार्ट में होगा, पहले पार्ट में हम जितना कवर कर सकते हैं उतनी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो हम लोग विजन का कर रहे हैं, 365 दिन वाला। आरक्षण की बात करेंगे, आरक्षण से बहुत रिलेटेड टॉपिक है। इसी बार आरक्षण में क्या बोलते हैं कि 2018 के केस को पलट करके पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया गया। एक ये आया और EWS का आरक्षण 10% कोटा आया, वो एक नया चीज़ था। प्लस लोकसभा में जो सीटें थी SC ST की वो बढ़ाई गई। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे विधायिकी निकाय में आरक्षण। तो मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में जो रिजर्वेशन आए उनको हम देखेंगे। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। 104वां, देखिए संविधान संशोधन आपको याद रखने, एक्ट याद रखने, संशोधन याद रखने, ये आपको बहुत आगे काम करेंगे। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 126वें संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित करता है, ठीक है, जिसके अनुसार EWS, तो EWS को कौन से आर्टिकल के अंडर रखा गया है, आर्टिकल 103 के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर EWS आएगा जिनको 10% का आरक्षण मिलेगा। 102 क्या होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। 101 क्या बोलता है, GST के लिए, और 100 क्या बोलता है, बांग्लादेश संबंध के लिए। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन, इंडिया और बांग्लादेश में जो गाँव का विभाजन हुआ था वो जो मोदी जी आए थे उन्होंने ये किया था। ठीक है, तो ये क्या होगा, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर 103, 102, 101, 100। ठीक, इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिमाग में रखनी है। यह अधिनियम दो उद्देश्यों से लाया गया, कि पहले तो है कि SC ST के जो आरक्षण है उसका विस्तार किया जाए, प्लस जो लोकसभा विधायिका में जो एग्लो इंडिया वाले थे उनका भी थोड़ा बहुत विस्तार किया जाए। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा से आगे देखेंगे। आर्टिकल 334 में संशोधन करके केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी क्या ये प्रावधान किए गए। ठीक है, विधायिका में बात कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो तो आरक्षण 10% जो दिया गया वो तो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, विधायिका के हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके पश्चात मतलब SC ST के कोटे को लोकसभा में बढ़ाया गया था। ठीक है, कैसे बढ़ाते हैं, अनुच्छेद 368(2)(d) के दायरे में ये सब चीज़ें काम करती हैं। अनुच्छेद 368 आप जानते हैं संविधान संशोधन के लिए जाना जाता है। अब आंग्ल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आंग्ल कौन से होते हैं, आंग्ल वे होते हैं जिनके पिता भारत से होते हैं। ठीक है, जिनके पिता क्या होते हैं, या फिर अन्य कोई पुरुष जो होता है भारत से होता है, और सॉरी यूरोप, और माता जो होती है भारत की होती है। मतलब कुल मिला के माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का हो और एक यूरोप का हो। यूरोप वो कंट्री होती है जो ब्रिटेन के शासन यानी ब्रिटिश के अंडर में रही है, वही यूरोप की, वही जो लोग हैं इसमें आ सकेंगे। ठीक है, तो आंग्ल जो एग्लो इंडिया होंगे उनको भी आरक्षण दिया जाता है, जिसके हिसाब से मतलब लोकसभा राज्यसभा में उनकी भी उपस्थिति मानी जाएगी। ठीक है,
आगे चलते हैं। तो अनुच्छेद 330 और 332 जो होते हैं SC ST के कोटे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और 331 और 333 जो होते हैं एग्लो इंडिया के लिए होता है, बस इतना जानना बहुत ज्यादा बहुत है, बस बहुत है, ज्यादा नहीं जानना आपको, ठीक है। संविधान के 10वीं अनुसूचित के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा, अच्छा जो टाइम ड्यूरेशन वो 2020 में खत्म हो रही थी, 2030 तक आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है लोकसभा में, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं SC ST जो पदोन्नति में थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है। SC ST के नियम जो आरक्षण दिया जा रहा था पदोन्नति में, कि हाँ पद में समानता लाने के लिए, मतलब किसी के साथ मतभेद ना हो, कोई उच्च वर्ग कोई निम्न वर्ग ना हो, इसलिए आरक्षण लाया गया था। 2018 में इसको वैध करार दिया गया था, पर 2019-20 के जो डिसीजन आए उसके अनुसार जो क्या बोलते हैं संविधान संशोधन यानी जो आरक्षण है पदोन्नति में वो सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है, सरकार चाहे तो दे, सरकार चाहे तो ना दे, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं कहा गया है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा कोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक कमेटी की बात करें, जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण केस जो था 2018 में, इसी के द्वारा बोला गया था कि आरक्षण को वैल्यू देना चाहिए पदोन्नति में, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है। एक्चुअली पदोन्नति की बात कहाँ करता, 15(4) और 16(4)(b) के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 15(4) क्या 15 क्या बोलता है कि धर्म जाति के आधार पर, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया, इसी के अंडर ही जो ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा दिया गया वो इसी के अंडर में दिया गया, आर्टिकल 15 के अंदर में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 16(4)(b) ये भी है। आर्टिकल 335 जो बोलता है संघ और राज्य के कार्यकाल से संबंधित सेवाओं और पदोन्नति में SC ST के लिए सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संधि के लिए ध्यान रखा जाए कि SC ST की पदोन्नति यानी उनका भी वहाँ पर भागीदारी बनी रहे, ठीक है। इंदिरा सानी का केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा सानी और नागराज सिंह, इंदिरा सानी का केस 92 में है, जिसके अनुसार बोला गया कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये क्यों बोला गया था, क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आरक्षण 65-65% 80-80% तक दिया गया था, इसलिए इसको लिमिटेड कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद नागराज का जो कमेटी है उसमें भी आरक्षण को लेकर की बात की, ये दोनों कमेटियाँ आप अपने दिमाग में याद रखें, ठीक है। बाकी 16 वाला पार्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट, 16 वाले पार्ट को थोड़ा सा इंडिकेट करते रहिए दिमाग में, ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद एक और 85वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये कब आया था, ये आया था 2001 में, ठीक है, कब आया था 2001 में, ओके आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नागराज मैंने बता दिया, ठीक है, जनरल सिंह वाला हमने केस, अच्छा क्रिमिनल लेयर का जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था इंदिरा गांधी के केस के 92 के केस में आया था, ये इंदिरा साहनीवाद जो था उसके केस से निकला था, और क्रिमिनल लेयर केवल केवल अभी OBC में लागू होता है, SC ST में लागू नहीं होता, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं दिव्यांग के लिए, दिव्यांग के लिए आरक्षण के पूरे आरक्षण की स्थिति चलेगी, दिव्यांग के लिए आरक्षण की क्या बात करता है, सीधी भर्ती में 3% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, दिव्यांग के लिए आरक्षण 50% तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। बैकवर्ड पिछला वर्ग यानी बैकवर्ड क्लासेस और PWD के लिए भी आरक्षण रखा गया, ठीक है। और इस ये आरक्षण इसमें किस हिसाब से दिया जा रहा है, वो 16(a) के, ठीक है, 16(a) के हिसाब से दिया जा रहा है, ठीक है, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, चलते और। फिर इसके बाद देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, यही है EWS कोटा जो 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, EWS को दिया जाएगा 10% कोटा इसमें रहेगा, ठीक है, किस हिसाब से 15(6) और 16(6) के हिसाब से, ठीक है। फिर इसके बाद शिक्षण संस्थान में भी बात कर ली थी हमने, 16(6) यही बोलता है, ठीक है, मोटी मोटी चीज़ें आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है, ठीक है, यदि कोई कमेटी आएगी तो उसको हम लोग यहाँ पर जरूर इंक्लूड कर दें। फिर नौकरी में आरक्षण और पदोन्नति के लिए कोटा मूल अधिकार नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, यही है वो रिजर्वेशन जो पदोन्नति वाली बात कर रहे थे, 16(4) 16(4)(a) के बारे में हमने थोड़ा सी बात की थी, यहाँ पर 16(4) के बारे में थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। अनुसूचित जाति श्रेणी में और उनके अधिक जनजाति सम्मिलित करने की बात करिए, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा था कि मतलब अनुसूचित जाति में और भी कई जातियों को किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है। तो संविधान आदेश बिल जो आया था 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया, इसका उद्देश्य कर्नाटक में कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करना है, इसके तहत शामिल किए गए समुदाय में परिवार
तलवार और सिद्दीकी जनजाति क्या थी, ये इसके लिए वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमको भी अनुसूचित जाति में डाला जाए। अनुसूचित जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 366 के द्वारा इंडिकेशन दिया गया है, और 342 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखिए कि 366 और 342 ये जाति यानी अनुसूचित जाति से ही रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा मतलब फोकस रखिएगा। अनुच्छेद 342 क्या बोलता है, 42 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य और संघ प्रदेश में राज्यपाल को इंडिकेशन दे सकता है, परामर्श दे सकता है कि वो इस केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से ही संशोधित किया जाए। ठीक है, तो संसद उस पर फॉलो करेगा, मतलब कमेटी बैठाई जाएगी, विचार विमर्श होगा, और क्या बोलते हैं कि तभी डिसीजन दिया जाएगा। ठीक है, 1931 जनगणना प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 की रिपोर्ट आदि में निहित परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अधिकार पे, थोड़ा सा बात ले, आरक्षण हमारा खत्म हो गया, अब अधिकार की बात करते हैं। देखिए, इंटरनेट मूलभूत अधिकार, केरल में बहुत प्रचलित केस फातिमा का केस चला था, जिसने बोला था कि मतलब हमें फातिमा वर्सेस केरल का केस था कि इंटरनेट मेरी मूलभूत अधिकार है, मतलब ये मेरा मौलिक अधिकार है और ये मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट क्या है, एक इन्फॉर्मेशन का जरिया है, यदि इन्फॉर्मेशन होगी तो इन्फॉर्मेशन से ही तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तो इसलिए इसको मूल अधिकार में रखने की बात कही गई। ठीक है, जो इंटरनेट पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2), देखिए मेन बात है बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये बहुत बार क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेट का शटडाउन हुआ, लगभग जम्मू एंड कश्मीर 180 बार, यूपी में लगभग 70 से 80 बार, और क्या बोलते हैं और भी प्रदेशों, महाराष्ट्र में, राजस्थान में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शटडाउन हुए, तो ये इसलिए भी बोला जा रहा है कि मतलब इंटरनेट हमारा मूल अधिकार है, आप इसको रोक नहीं सकते, सरकार के पास ये अधिकार नहीं, इसको लेकर के बड़ा मतलब विवाद चला था। याद रखिएगा 19(a)(g) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है, अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट का निलंबन अनुगय मतलब नहीं किया जा सकता अनिश्चित काल तक। ठीक, CRPS 144 की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस ये एक्ट है, ये CRPC का है, सब लोग सोचते हैं ये IPC का नहीं है, ये CRPC सिविल कोड का है। ठीक है, आर्टिकल 144 जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी चार व्यक्ति एक साथ झुंड नहीं लगा सकते, ज़्यादा वाद विवाद नहीं कर सकते, काफ़ी मतलब यानी चीज़ों को कवर कर दिया जाता है 144 की धारा। अभी भी देखेंगे कोरोना वायरस से तो गली गली मोहल्लों में 144 धारा लगी हुई है। ठीक है, आदेश की विधि थोड़ा देख लेते हैं, धारा 144 के अधीन कोई आदेश उस आदेश के जारी होने की तिथि के 2 माह से अधिक समय के लिए बाध्य नहीं होती है, मतलब 2 माह तक ही उसकी सीमा है, परंतु यदि राज्य चाहे तो उसको आगे की ओर बढ़ा सकती है, 6 से 6 महीने से 6 महीने से अधिक भी बढ़ा सकती है, पर उसकी मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो 2 माह ही होती है। आगे चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं संपत्ति का अधिकार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संपत्ति का अधिकार 300A में रखा गया है, संपत्ति का अधिकार किस में रखा है, 300A में रखा गया है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का केस है जहाँ पर बोला गया है कि संपत्ति के अधिकार को क्या एक मूल अधिकार को ही रखना है, बिकॉज क्योंकि एक केस निकला था कि यदि कोई व्यक्ति 12 साल किसी मकान में रह जाता तो उस मकान पे उसका अधिकार होता और फिर मालिक कहाँ जाएगा, इसलिए उसको मतलब केस करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि भाई मौलिक अधिकार से ही हटा दिया गया, तो मौलिक अधिकार से जब हटा दिया गया तो हम इस पर केस तो कर नहीं सकते, तो हमारी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, इसलिए जो हिमाचल प्रदेश है वो उसको कंडम कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि मान लो कोई व्यक्ति की प्रॉपर्टी है तो उसे हड़पा ना जाए, उसके लिए न्यायिक विधि का भी व्यवस्था की जाए। और ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, इसको हटाकर 300A में डाल दिया गया था, ये सारा था मुद्दा। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग संपत्ति के अधिकार पर ही ख़त्म करेंगे, धीरे धीरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जिससे पूरा मेन बात है, लगभग 72-74 पन्ने की पूरी PDF है, और काफ़ी मटेरियल इसमें पॉलिटी के बारे में इन्वॉल्व कर दिया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।